अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस वाज द डे लाइक ऑफ 5th September व्हेन आई वेंट टू मुश्कपुरी विद माय फ्रेंड्स फॉर हाइकिंग। इट वाज एन अमेजिंग डे। मैंने पहले एक प्रीव्यू वीडियो डाली है, अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज गाइज एंड कॉमेंट बिलो। और यस, यहाँ पे हम लोग, अब मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊंगी। वैसे तो बहुत से लोग मुश्कपुरी जाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, हाइकिंग के लिए, और कई बार इससे पहले भी जा चुके होंगे, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इस व्लॉग में आपके साथ कि हम कैसे गए थे, किसके साथ गए थे एंड हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस, ताकि अगर आप लोग भी जाना चाहें इस तरह तो आप लोग भी जा सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजिली। फर्स्ट वी डिसाइडेड टू गो ऑन आर ओन, देन बिकॉज वी वर ओनली गर्ल्स, और आपको पता है कि रात को अक्सर आप लेट हो जाते हो, बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो वट वी डिसाइडेड कि हम अपने ओन पे नहीं जाते, हम क्या करते हैं कि हम किसी ट्रेवलिंग एजेंसी के साथ चले जाते हैं। सो वी फाउंड दिस वन इन सदर ऑन आदमजी रोड, और इनका नाम जो है वो ट्रेवल वेज इंटरनेशनल है, ठीक है, और ये एक ट्रेवलिंग एजेंसी है जो आपको मतलब मैंने पढ़ा था वहाँ पे कि ये हज के लिए भी लेके जाते हैं और चीज़ों के भी, और चीज़ों के लिए भी, मुझे ये नहीं पता, बट हमारा इनके साथ पहला एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करूँगी कि कैसा था। सो उन्होंने हमें एक स्पेसिफिक टाइम दिया था सुबह का, कि सुबह आप लाइक टू आपके लाइक हमारे टू ऑप्शन हैं आपके पास जहाँ से हम आपको पिक कर सकते हैं। एक हम आपको सदर आदमजी रोड जहाँ पे हमारा ऑफिस है वहाँ से हम आपको पिक कर सकते हैं, और एक हम आपको पिक कर सकते हैं फैजाबाद से, ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं, आप जहाँ पे भी आना चाहें आप आ जाएं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो सदर है। अगर आप सदर, आप सदर से आपने अगर बैठना है, मतलब यू नो यू वांट अस टू पिक अप फ्रॉम सदर, तो आप जो है वो 6:45 तक वहाँ पे आपको पहुँचना है। और अगर आप फैजाबाद से बैठना चाहते हो सेकंड स्टॉप से, तो 7:15 तक आपको वहाँ पे पहुँचना है, ताकि हम आपको पिक कर लें, हमारी कोस्टर जो है वो आपको पिक करने के लिए आ जाएगी। हमें सदर ज़्यादा फिजिबल लग रहा था, इसलिए हम सदर आ गए और 6:45 पे हम पूरे वहाँ टाइम पे मौजूद थे, कोस्टर अपने टाइम पे आई और हम उस पर बैठ गए। अब मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगी जो लोग टाइम को फॉलो नहीं करते और जिनको ये बड़ी बात नहीं लगती। मतलब मुझे लगता है कि टाइम को फॉलो करना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, और आपको करना चाहिए इसको फॉलो। अब जब हम यहाँ से सेकंड स्टॉप पे गए फैजाबाद पे, तो वहाँ पे कुछ खवातीन थी, कुछ लड़कियाँ थी जो कि बहुत लेट आई, लाइक मेरे ख्याल से कोस्टर अपने टाइम पे वहाँ पहुँच चुकी थी, बट हमें उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। तकरीबन आधा घंटा तो हमने उनका वेट किया है वहाँ पे, ठीक है, एंड इट्स रियली यू नो अनोइंग, ठीक है, कि आप टाइम को फॉलो नहीं कर रहे और आप इतने लेट आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि हर किसी को अपने टाइम को फॉलो करना चाहिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर दिस एजेंसी जिनके साथ हम गए थे, ठीक है, देयर नेम इज ट्रैवल वेज इंटरनेशनल, ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सदर आदमजी रोड पे इनका ऑफिस है, एंड देयर मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब इन्होंने मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं दिए, ना मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना रिव्यू इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप लोगों में से कोई लड़कियां अकेले जाना चाहती हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, और उनके पास जाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो वो इस तरह की बहुत सी एजेंसीज के साथ जा सकती हैं। अब मैं सिर्फ इन्हीं का इसलिए बता रही हूँ कि मेरा इन्हीं के मतलब मैं इन्हीं के साथ गई हूँ और मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी भी टूरिज्म एजेंसी के साथ, जो कि बहुत अच्छा रहा है। तो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज कि अगर आप कहीं दूर जाना चाहते हैं जहां से वापसी आपकी रात को लेट हो सकती है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। And they guided us one day before going to Mushpuri that what we need, like, you know, they tell us you need an extra pair of socks, you don't have to wear the slippery shoes, and you need an umbrella, you need a water bottle, and this is I think so very important, कि आपको पता होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो you know, they guided us very nicely, उन्होंने हमें पहले से guide कर दिया था और obviously फिर हमने उन चीज़ों को अपने पास रखा था। These clouds were looking absolutely fantastic and my camera captured them amazingly. सिर्फ देखें आपकी कितना जबरदस्त लग रहा है। We talk about transport, it's coaster as I told you guys earlier, and it's really hygiene matters. And you know, it's really comfortable. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जिसमें जा रहे हो वो कम्फर्टेबल हो, ताकि ऐसा ही ना हो कि क्योंकि ऑब्वियसली इफ द ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट कम्फर्टेबल, आप रास्ते में ही थक जाओगे तो हाइकिंग आपने क्या करनी है।
और मौसम बहुत अच्छा था, इट्स रियली सुपर्ब अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट डे। और जब भी आप मरी साइड पे जाते हो कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल आप हाइकिंग के लिए या कहीं पे भी जा रहे हो, वैसे भी घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा गर्म स्टफ तो पहनते ही हो, क्योंकि मरी में हमेशा मौसम हल्का सा ठंडा रहता है और कभी कभी वैसे ही बहुत ठंडा हो जाता है, तो आपको फिर यू नो सर्दी लगती है। तो वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि गर्म स्टफ पहनना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जब हम लोग पिंडी से जा रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि नहीं यार कितनी गर्मी है, कौन गर्म स्टफ पहने, लेकिन वहां जाके लगती है। तो मेरे ख्याल से आपको अपने पास जैकेट्स रख लेनी चाहिए, और अगर आप हाइकिंग पे जा रहे हैं, मुशपुरी जा रहे हो, तो वहां टॉप पे जरूर ठंड होती है और अक्सर बारिश भी हो जाती है, तो फिर आप लोग अपने साथ ऐसी या तो ऐसा स्टफ पहन लें, या आप ऐसे अपने साथ जैकेट्स रख लें, कुछ स्वेटर जैकेट व्हाटएवर जो भी आप इजीली वेयर कर सकें पहन सकें। फाइनली हम वहाँ पहुँच गए थे, एंड आफ्टर रीचिंग देयर दे प्रोवाइड अस रिफ्रेशमेंट, द लेस एंड द ड्रिंक्स। आई डोंट लाइक लेस बट इट्स ओके, चलता है। सो आपको पता है कि जब आप मुशपुरी के ट्रैक पर जाते हो तो उससे पहले एक रोड है जिसको आपको क्रॉस करना होता है, तो उसको क्रॉस करने से पहले हम लोग इसी रोड पे एक गेस्ट हाउस है, हम वहाँ गए थे थोड़ी देर के लिए। ऑब्वियसली सफ़र के बाद आपको थोड़ा सा रिफ्रेश होना होता है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई डोंट नो मुझे बतानी चाहिए यहाँ पे कि नहीं, जो मुझे जिसकी बहुत खुशी हुई थी लिटरली वहाँ पे उस वक्त, आई नीड टू गो टू वॉशरूम। और वहाँ पे जो वॉशरूम था इट्स रियली क्लीन, मतलब घर जैसा वॉशरूम आपको मिल जाए तो बहुत आपको अच्छा लगता है। सो इन दैट गेस्ट हाउस यू नो देयर वॉशरूम इज़ रियली क्लीन। और फिर हमने थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट किया, मतलब सब ने, और उसके बाद फिर हमने इस यू नो वी स्टार्ट गोइंग। अब ये जो सड़क है, आपको पता होगा बहुत से लोगों को मशपूरी के ट्रैक से पहले एक सड़क आती, ये जो रोड है इस तरह की, इसको भी आपको क्रॉस करना होता है, उसके बाद ट्रैक आता है। तो अब इसको क्रॉस कौन करे, पहले तो हमने एक्साइटेड होके स्टार्टिंग में ना हमने सोचा नहीं हम तो पैदल करेंगे क्रॉस इसको, लेकिन जब हम वहाँ गए ना थोड़ी सी हमने क्रॉस की होगी, उसके बाद हम थक गए थे। सो वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने हमें कहा कि पर पर्सन आई एम टेकिंग 30 रुपीज़, तो आप प्लीज़ बैठ जाएं सारे, मैं आपको छोड़ आऊँगा। तो फिर हम उनकी गाड़ी में बैठ गए थे और यू नो ही टुक 30 रुपीज़ पर पर्सन, और वो हमें वहाँ छोड़ आए थे ट्रैक के बिल्कुल पास। आई थिंक सो ऑल द गर्ल्स विच वर विद अस इन दिस ट्रिप, हम सारे ही गाड़ी में बैठ के गए थे और वहाँ पे पहुँचे थे। और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, इतनी बड़ी सड़क अगर आप पहले ही उसको चलेंगे तो फिर आप ट्रैक तो चढ़ने से रहे, आप मतलब ऊंचाई चढ़ते हुए वैसे ही बंदा थक जाता है, चढ़ भी गए तो वापस आने से रहे, क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट। सो मुझे तो यही लगता है कि जहाँ से ट्रैक शुरू होता है उससे पहले जहाँ तक गाड़ी जाती है ज़रूर जाएं गाड़ी में बैठ के, पैदल चलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग आई एम गोना अपलोड इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, ओके वाई, बिकॉज के व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और अभी दिस इज़ द पार्ट वन, एंड देन इंशाल्लाह आई विल अपलोड द पार्ट टू ऑल्सो। आई होप यू गाइज विल इन्जॉय दिस वन एंड द अदर वन टू। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, कॉमेंट बिलो। अल्लाह हाफिज़ अंटिल देन।